हेलो दोस्तों, मैं आपका पुष्य भैया, जय श्री राम। क्लास ट्वेल्थ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी कंटिन्यूस चल रहा है और आज हम आगे जो पिछली वीडियो थी उसमें दसवीं सवाल हो चुकी थी, आगे हम उसी क्वेश्चनों को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जब 10 तक हो चुके थे तो आज हम 11 से उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा फोकस करना और बड़े ध्यान से देखना, ठीक है दोस्तों। आप रफ कॉपी साथ में जरूर रखना। टेन इनवर्स एक प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक बटे दो प्लस साइन इनवर्स माइनस एक बटे दो। देखो दोस्तों, ये बात, ये जो क्वेश्चन है ये दे रखा है, ये सॉल्व करना है तो बड़े ध्यान से देखना। देखो दोस्तों, टेन इनवर्स एक है, एक ही हम टेन पाएंगे फोर कह सकते हैं भाई। टेन इनवर्स है तो एक की जगह हम टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं ना। देखो कॉस इनवर्स के साथ जो कोण के साथ माइनस है, कोण के साथ माइनस है तो हम इसे पाई में से घटा देंगे और कोण प्लस का कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार देखो, ये साइन इनवर्स के साथ है, कोण माइनस है, लेकिन इसे पाई में से माइनस नहीं करेंगे। खाली जो माइनस होता है एंगल तो पाई में से घटाते हैं, कॉस सेक और कोट ये तीनों हो तब, कॉस सेक कोट ये तीनों हो तब पाई में से घटाते हैं। अब घटाते क्यों है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 180 की होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जो कोण है माइनस का, ये माइनस आगे आ जाएगा, साइन इनवर्स एक बटे दो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, टेन इनवर्स पाई बाई फोर प्लस, वैसे तो साथ में खोलना था उसके लिए, चलो पहले खुल गया कोई दिक्कत नहीं है, पाई माइनस कोस इनवर्स। अब ये देखना है, ये कितने का मान होता है, एक बटे दो कोस साठ का, कितने का होता है कोस साठ, तो कॉस साठ को क्या कहेंगे, कॉस पाई बाई थ्री, क्या कहेंगे पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स जो साइन के साथ एक बटे दो होता है, ये कितने का होता है साइन तीस का, तो तीस है तो इसे कहेंगे कितना पाई बाई सिक्स। ये टेन इनवर्स है, ये टेन, ये हट जाएगा, क्या रह जाएगा पाई बटे चार, पाई ये वाली पाई माइनस कोस इनवर्स है, कोस ये हट जाएगा, क्या रह जाएगा पाई बटे तीन माइनस साइन इनवर्स, सॉरी ये जो साइन इनवर्स है इससे साइन हट जाएगा, क्या रह जाएगा पाई बटे सिक्स। फिर क्या है, इसके नीचे एक मान लो, अगर चार एक तीन छः इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बारह, क्या जाएगा बारह, चार का जो चार है चार का बारह है तीन, तो तीन भाई एक का भाग बारह है तो बारह का मल्टीप्लाई पाई से कर देंगे तो क्या जाएगा बारह पाई माइनस तीन का ये बारह, बारह में देंगे चार, चार पाई माइनस छः का ये बारह के छः दूंगी बारह पाई, बारह और तीन कितने हुए पंद्रह, वही हो गए चार और दो छः, तो पंद्रह में छः तो कितने बचे नौ, तो नौ पाई बटे बारह, तीन से काट लो तीन को, तीन से काट लो चार को, क्या बचेगा तीन पाई बटे चार। ठीक है दोस्तों, टेन इनवर्स एक प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक बटे दो प्लस साइन इनवर्स माइनस एक बटे दो सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत आए तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख देना, रफ कॉपी साथ में लेना, इसे तुरंत ही तुरंत उतार लेना। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अब क्वेश्चन जो एक्सरसाइज अभी जो आपकी कंटिन्यूस चल रही है वो आपकी 2.1 चल रही है, क्या चल रही है 2.1। जब 2.1 चल रही है तो अभी तक क्वेश्चन 11 हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं 11।
लगातार जो पिछली कुछ क्वेश्चन है जो वो पिछले जो वीडियो है उनमें लिखे हुए हैं, आप उनसे देख लेना ठीक है। 12वां क्वेश्चन, ये 12 वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 देखिए वो ही सिंपल है। जो cos इनवर्स है जो 1/2 कितने का मान होता है cos 60 का, कितने का होता है cos 60 का, और जो 60 है उसे क्या कहेंगे pi by 3 प्लस 2 sin इनवर्स, अब ये 1/2 है 1/2 sin उड़ेंगे तो sin 30 का मान होता है कितने का होता है sin 30 का, तो इसे sin 30 को क्या कहेंगे pi by 6। अब ये cos इनवर्स से cos हट जाएगा क्या बचेगा pi by 3 प्लस 2, और sin इनवर्स से sin हट जाएगा क्या रहेगा pi by 6, और 2 से 6 कितना बार 3 बार, तो pi upon 3 प्लस pi upon 3 तो क्या हो जाएगा 2 pi upon 3। ठीक है दोस्तों समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, 13 क्वेश्चन, तो 13 वाला जो क्वेश्चन है ये है sin इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं देखो ये दे रखे ऑप्शन 0x x नहीं pi by 2 देखियो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू बाई, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू बाई, ये चार ऑप्शन है दोस्तों, कितने क्या ऑप्शन है ये चार। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है ये नहीं कि साला तुक्का मार दिया या कि नहीं देख लेना वही आंसर होगा, ऐसे नहीं समझ गए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू बाई है। अब आप यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे इनवर्स फंक्शन है मुझे उधर लेके जाएंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन y, x इक्वल टू क्या हो जाएगा sin y, और sin के साथ में ये y वाला कोण ही तो है, कोण ही तो है, तो ये कोण जब sin के साथ जो कोण होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं 0 से 0 से लेकर यहां pi होगा, क्या होगा यहां हां pi 0 से pi गलत, तो 0 से ये भी pi है शायद गलत, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, जीरो एक्सेस ही नहीं जाता है, वो ये होता है माइनस नब्बे से प्लस नब्बे, या तो ये या ये। अब ये बताइए इन दोनों में डाउट रह गया है, देखो डाउट कुछ नहीं है, जो साइन की जो एंगल होता है वो माइनस नब्बे से प्लस नब्बे तक, माइनस के नब्बे से प्लस नब्बे तक। अब ये है ना ये वाला, ये माइनस ये वाला नीचे लग गया, तो इसमें ये समझ लो ना माइनस नब्बे इसमें काउंट है, क्या है इसमें काउंट है, तो माइनस के नब्बे से प्लस के नब्बे तक, ये माइनस के नब्बे से नहीं है, ये माइनस के नब्बे से नहीं है, इसमें माइनस के नब्बे प्लस के नब्बे काउंट नहीं है, तो लेकिन उसमें माइनस के नब्बे से प्लस के नब्बे होता है, तो फिर ये तो नहीं है, ये तो ये आंसर समझ में आ गया दोस्तों, ये लेकर तो काम आ गया, समझने की कोशिश करें समझ लो। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं लास्ट इस एक्सरसाइज का, जो लास्ट क्वेश्चन है 14% tan इनवर्स अंडर 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2, sec इनवर्स माइनस 2 देखिए tan इनवर्स ये वाला क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2 माइनस 2 ये, और tan इनवर्स जो अंडर 3, अब वही tan में देखेंगे तो ये कितने का वैल्यू होती है tan 60 की, कितने की होती है tan 60 की, और 60 को क्या कहेंगे pi by 3,
ठीक है दोस्तों। अच्छा अब मैंने एक चीज बताई थी कि कॉस सेक और कॉट इनवर्स, ये इनके साथ में जो एंगल है ना कोण, वो माइनस में आता है तो हम उसे पाई में से माइनस कर देते हैं। किस में से माइनस कर देते हैं? पाई में से। तो माइनस पाई माइनस, अब ये जो एंगल है ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है देखिए, अच्छा सेक दो को सेक दो ये कितने का मान होता है, ये सेक दो कितने का मान होता है, सेक तीस का, वो सेक साठ का, और सेक साठ ऐसे का, ठीक है दोस्तों। तो टेन और सिक्स हट जाएगा, क्या रह जाएगा, पाई माइनस थ्री, पाई बटे थ्री माइनस थ्री पाई, और थ्री पाई में से पाई क्या बचेगा, टू पाई बटे थ्री। अब तीन को हल कर लेना, पाई माइनस टू पाई, और पाई में से टू पाई आएगा तो क्या बचेगा, माइनस के पाई बटे, ठीक है दोस्तों। अच्छा सेक इनवर्स था ना, और मैंने आपको बता चुका हूँ कोस सेक कोट, अगर कभी भी ये कोण माइनस में होता है तो हम उसे पाई में से घटा कर देते हैं, और फिर जो कोण होता है वो क्या हो जाता है, प्लस का। ठीक है दोस्तों, आज ये एक्सरसाइज फिनिश होती है, आज हम यहीं तक क्वेश्चन कराएंगे। आज हमने जो क्वेश्चन कराए 11 12 13 और 14 जो कि आज यह एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है, तो इसकी जो आगे की जो क्वेश्चन थे वो पिछली वीडियो में हम करा चुके हैं, कि जो कोई नया स्टूडेंट आता है तो वो पीछे की जो वीडियो उनको भी देख लेना जा, इस जिससे कि हमारे सभी क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, और एक थोड़े से फेयर में जरूर अवश्य लिख लेना, क्योंकि एक से लेकर 14 तक कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मैंने छोड़ा है कि जो छोड़ दिया हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। तो बहुत ही रफ के फेयर के साथ कोई एक नोट अच्छी बना लेना, जिससे कि हमें आगे काम आ सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, अपना प्यार बनाए रखें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट दबा दबा के उसके बटन को तोड़ दें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।